कराया, वहां ठहरे। वैष्णव प्रसन्न हुआ कि संत आए, तो दो चार पांच संत हैं, दूसरे अपना आसपास के लोग भी आएंगे तो थोड़ा खीर बन जाए। तो उसने अपने नौकर को बेली सवेरे भेज दिया कि फलाने गांव से दूध ले आ। तो दूध का बुगणा भर के नौकर ले आ रहा था, थका तो जरा आराम करने को किसी झाड़ के नीचे बैठा। चील ने सांप पकड़ा था और उसी झाड़ पे आकर उसने भंडारा शुरू किया। तो सांप के मुंह का जो जहर है वो घड़े में आ गिरा। वो तो थका था, उसको तो पता नहीं झोंका आ गया। दूध में तो जो मिश्रण होना था वो हो गया। नौकर तो दूध ले चला और बनी खीर, बनी खीर और चार के चार साधु स्वर्गस्थ हो गए। गांव में राजसी और तामसी करताओं की तो भीड़ मार होती, सात्विक तो कोई आना महाराज। गांव में खबर हो गई, साधु जमीन दोस्त हो गए। हाँ कि ये भगतड़ा है, बड़ा साधुओं का सेवक है, बाबाओनी पाछड़ पाछड़ पोतानो यश करावा माटे बाबाओनी सेवा करी हशे। साधु रे साधु, हाँ साधुओं ने साधुओं ने मारी नाख्या छे वटे जोयो के ऐसे करते हो। राजसी तामसी ऊंचे नीचे हो रहे थे क्योंकि उस भक्त का यश होता था। तो राजसी और तामसी आदमी किसी का यश देखकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो उछलता कूदता रहता है, परेशान होता है। कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा यश देखकर वो परेशान होगा। तुम्हारे तुम पूछो मेरे में क्या दोष है, केटला बड़ा मानस तुम्हारे पास आवे छे, शू दोष छे पूछो छो, आटलू बधुं तमारुं नाम थई गयुं। अरे पण मारुं नाम थई गयुं नाम करावा माटे नथी, पण एमने हारुं लागे छे एटले आवे छे। आ तो के अमारा आश्रममां केम नथी आवतुं, लई जाओ भैला पकड़ी अमे नाख्या होईए छे। श्री राम। तो राजसी करता को बड़ी तकलीफ होती है बेचारे को, हालांकि सात्विक करता का वो स्वभाव नहीं होता कि हम किसी को तकलीफ रूप हो, लेकिन वो खामखा कोई तकलीफ पैदा करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसे कोई तकलीफ में आ गए राजसी करता। यमराज के वहां चर्चा चली कि ये चार हत्याएं किसके सिर लिखनी चाहिए, क्योंकि चील तो बेचारा प्राणी है, उसको पता ही नहीं कि राग से या द्वेष से प्रेरित होकर उसने डाला नहीं है, और नौकर ने भी राग द्वेष से प्रेरित होकर जहर डाला नहीं, और खिलाने वाले ने भी डाला नहीं, और निर्दोष साधु मर गए। तो चार हत्याएं किसके खाते लिखनी चाहिए, इट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम था। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा क्या करें, ये चार हत्याएं किसके सिर मढ़नी चाहिए। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में किसी से कोई अनऑफिशियली बात करे तो किसी न किसी नंबर पे ऐड कर दिया जा करना पड़ता है, जय जय। तो ऐसे ही जहां नुकसानी थई हो कोई ना खाते मढ़ी नाखवी पड़े, ना को ना खाते आ चार लखवा। चार आदमियों की मृत्यु हो गई, किसके खाते ले। यमराज भी निरुत्तर हो गए, चित्रगुप्त चिंतित हो गए, बोले अब क्या करेंगे। चलो जब नहीं सूझता है तो सुपर सत्ता के पास जाना चाहिए, भगवान विष्णु सत्व प्रधान देव है। चलो गए आदि नारायण की अर्चना पूजा की, और भगवान ये चार हत्याएं किसके सिर लिखनी चाहिए। भगवान ने पूरा केस समझ लिया, बोले अब ये चार हत्याओं का ग्राहक किसको बनाना चाहिए, किसी निर्दोष पर तो दोष मारना ठीक नहीं है, अब दोषियों को तो अपना दोष ही काफी होता है, तो ये चार हत्याएं क्या करें। चलो उसी गांव में चलते हैं, कोई मिल जाएगा ग्राहक। आए तीनों, चित्रगुप्त यमराज और भगवान आदि नारायण, अभ्यागतों का रूप लेकर आए, और जो पान के गले और इधर उधर जो फालतू आदमी राजसी आदमी ठट्ठा मस्करी में समय खराब करते हैं, उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता क्या। हाँ पिलो पिलो रहे से वैष्णव, छो दाड़ा पहला चार मारी नाख्या जो त्यों के। भगवान आगे चल के बोला दो नाम इनके लिख ले। और आगे गए तो और कोई वृक्ष के नीचे बैठे थे, गपशप लगा रहे थे। हाँ उसमें अपने को कोई चतुर मानना था, बड़ा मानना था, कोई किसी की बात, कोई किसी की निंदा, कोई किसी की प्रशंसा। कुछ अज्ञानी आदमी बैठेंगे और बोलेंगे तो या तो राग बढ़ाएंगे या तो द्वेष बढ़ाएंगे, या तो राग बढ़ाने की बात करेंगे या तो द्वेष बढ़ाएंगे। जब तक उस चर्चा में तत्वज्ञान या हरि रहस्य की बात नहीं है, भगवान की बात नहीं है, तो या तो राग बढ़ाने की बात होगी या तो द्वेष बढ़ाने की बात होगी। राग से
भी व्यक्ति को घाटा होता है, द्वेष से भी घाटा होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति को ठीक फायदा होता है। जय श्री कृष्ण। ले फुर्सत नथी, फुर्सत नथी शिबिर में आवानी, गुरु नु ज्ञान हाबड़वानी फुर्सत नथी, पण तमे त्यां कूटाओ छो तो राग द्वेष वधशे। श्री राम। तो कुछ कूट रहे थे गप सब बात, तीन अतिथि अभ्यागतों ने कहा कि भाई यहाँ कोई वैष्णव भगत भगत रहता है? बोले एक भगत है। वहाँ के मुखिया ने कहा वो साधुओं की बहुत सेवा करता है। दूसरे ने कहा साधुओं की सेवा करता है लेकिन साधुओं को जहर देकर उनका तुम्बा लोटा और सब अपना माल बना लेता। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, जब अपने को हकीकत का पता नहीं तो किसी पर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। किसी में दोष हो और आप बोल दो ये सज्जन है निर्दोष है तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई निर्दोष और उस पर आप दोष थोप देते तो बड़ा अन्याय कर लेते हैं, आप अपने लिए ही अन्याय कर देते हैं। तीसरे ने समझाया लेकिन वो माना नहीं। मुखिया तटस्थ रहा। ये तीनों आगे चले, उन चौकड़ी में से एक आदमी बोले एक कैसी है, एक इस पर लिख दो। एक मिला मुर्गा, चार पांच सात तो बैठे थे लेकिन एक मिला। ऐसे करते एक तीसरा भी मिल गया। कुल चार हत्याओं के ग्राहक मिल गए। यमराज का खाता अपना सीरियल ठीक हो गया। तो अनजाने में जो ऐसी हत्याएं और पाप हो जाते हैं एक्सीडेंट के, वो उन्हीं के सिर आ लगते हैं जो तामस और राजसी और किसी की निंदा में रस लेते हैं। जय राम जी की। और फिर किसी की निंदा में रस लेने समय बढ़ाते चढ़ा के निंदा करते हैं, और बढ़ा के चढ़ा के जब हम किसी की निंदा करते हैं तो फिर घूम फिर के वो उसी के पैरों में हड़क तू आवे, चगायो तू कोई नून पुतानू चग्यू लियो। जय श्री कृष्ण। पता तो होगा तुम लोगों को, प्रधान हम लोगों की जो वृत्तियां है वे वृत्तियां उस समय तो भले ठट्ठा मस्करी अथवा किसी की उड़ाने का मजा ले लेते हैं, लेकिन अपना अंतकरण हम लोग मलिन कर लेते हैं। इसीलिए आज के श्लोक को हम लोग समझेंगे। मुक्त संग, संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में निर्विकार सात्विक कर्ता कहा जाता है। सात्विक कर्ता को कर्म करने में तो उत्साह रहता है और सफल करता है, फिर भी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं होती। जैसे नागरवेल में फल नहीं लगते फिर भी वेल का अपनी शोभा है, ऐसे सात्विक कर्ता में कर्म के फल की आकांक्षा नहीं होती फिर भी उसके द्वारा इतने सुंदर और सुहावने कर्म होते हैं। सूर्य कौन सा कर्म का फल चाहता है कि इतना सारा प्रकाश करता है? चंद्रमा बदले में क्या लेता है कि इतना प्रकाश करता है? बदले की कोई आकांक्षा नहीं, उसी कारण उनके द्वारा उस अखिल ब्रह्मांड सत्ता का इतना प्रकाश हो रहा है। गंगा कभी ये विचार नहीं करती कि गौ को तो शीतल पानी पिलाऊं और सिंह आए तो जहरी बना लो। नहीं, गंगा का तो बहना स्वभाव है, सिंह भी पी सकता है, हाथी भी प्यास मिटा सकता है, और ब्राह्मण गंगे हर करके डुबकी मार सकता है, तपस्वी तप सिद्ध कर सकता है, जोगी अपनी जोगी यात्रा में उपयोग कर ले, उसकी मर्जी की बात है। गंगा का स्वभाव है बहना, और कल कल छल छल गुनगुनाती मुस्कुराती गंगा अपने मूल में पहुंचती। ऐसे ही जिसकी जीवन गंगा जीवन धारा मुस्कुराती हुई धन्यवाद देती हुई त्याग और परोपकार से जिसकी जीवन धारा बहती बहती जीवन दाता तक पहुंचती है वो सात्विक कर्ता है। और उस कर्ता के जीवन में जो कोई आ जाता है आचमन कर लेता है ना लेता है, अपनी जैसी जैसी उसकी पात्रता होती उतना उतना गंगा जी का जल का उपयोग करता है। तो सात्विक कर्ता ऐसी एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है कि करने की समाप्ति हो जाती है। कर्म ऐसा करो कि कर्म करने की समाप्ति हो, विचार ऐसा करो कि विचार की समाप्ति हो जाए, विचार ऐसा करो कि विचार की समाप्ति हो जाए तो क्या बुद्धू हो जाए? नहीं, विचार ऐसा करो, ऐसा विचार सूक्ष्म करो कि विचार जहां से निकलते हैं और विचार करने वाला कौन है उसका जब विचार करो तो विचार का उत्पन्न। भोग भोगो लेकिन भोग ऐसा भोगो कि भोग भोग के जड़ता ना आए, लेकिन भोग ऐसा भोगो कि भोक्ता की समाप्ति हो जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्ता की समाप्ति हो जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्ता की समाप्ति अपने आप को मार डाले? नहीं, अपने आप को मारना नहीं है, कर्ता की समाप्ति होते ही ज्ञाता प्रकट हो जाएगा, दाता।
लुकमान हकीम ने लाख वनस्पतियों का